नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पूर्णिया में प्रेम प्रसंग के बाद शादी करने से उत्पन्न विवाद के कारण दो पक्षों में काफी तनाव है और इस तनाव का कारण मरंगा थाना पुलिस लड़की का बयान कोर्ट में नहीं करवा पाई और पुलिस को मामले को नियंत्रित करने के लिए काफी इंतजार के साथ काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। मामला अस्कतो दरिया का है। बताया जाता है कि साक्षी नाम की एक लड़की ने सचिन नाम के एक लड़के से प्रेम विवाह कर लिया, जिसके बाद लड़की पक्ष की ओर से लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जब लड़की थाने में हाजिर हुई तो उसका बयान थाना पुलिस कोर्ट में करवाने के लिए ले जाया जा रहा था, किंतु उसी दरमियान लड़की पक्ष वालों ने लड़की के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और मजबूरन पुलिस को कोर्ट जाने से पहले वापस थाना लड़की लेकर पहुंचना पड़ा और इस दरमियान थाना परिसर में काफी शोर शराब भी होता रहा। इसके बाद पुलिस को सख्ती के साथ दोनों पक्षों को थाने से बाहर खदेड़ना पड़ा। हालांकि मरंगा थाना पुलिस ने इस संदर्भ में किसी भी तरह के मामले के होने से साफ इनकार किया है और कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, किंतु लड़के पक्ष वालों ने कहा है कि उन लोगों के सामने लड़की पक्ष वालों ने लड़की के साथ मारपीट की है। इसके कारण पुलिस को लड़की को वापस लेकर थाना आना पड़ा और पुलिस ने एक व्यक्ति का मोबाइल जब्त कर लिया है। लड़के पक्ष वालों ने कहा है कि लड़का लड़की दोनों बालिग है और दोनों ने विधिवत शादी की है और शादी करने के बाद लड़की ने सोशल मीडिया पर खुद ही अपना बयान अपलोड करके बताया है कि उन्होंने सचिन से शादी कर ली है, उसका कोई अपहरण नहीं हुआ है। बहरहाल लड़की अभी पुलिस की देखरेख में है और दूसरी तरफ दोनों पक्षों में काफी तनाव व्याप्त है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि लड़की कोर्ट में किस तरह का बयान देती है। कुछ शाम में एक लड़का लड़की दोनों अपनी मर्जी से भाग के शादी की थी, उसके बाद में दोनों कहाँ है इसका तो किसी को पता नहीं था। 15 तारीख को पता चला है, मतलब कि वो दोनों अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। तो दोनों ने अपना जैसे हो सोशल मीडिया के थ्रू पेपर आउट किए कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। उसके बाद में दोनों फिर कहाँ रहे उसकी कोई पता नहीं था। उसके बाद में कल लड़की के आईडी पे सोशल मीडिया फेसबुक पे वो अपने स्टेटमेंट जारी की है कि हमको अपना भाई से जान का खतरा है। लड़की स्टेटमेंट जारी की और अपनी मर्जी से हम आए हैं, हमारे गार्जियन से किसी के ऊपर दबाव ना बनाया जाए। तो अभी क्या हुआ सो बताइए। अभी सर थाना में लड़की 10 बजे आके सरेंडर की थी कोर्ट में बयान देने के लिए। लड़की का मेडिकल हुआ, मेडिकल होके आई लड़की थाना। थाना में लड़की का भाई आया और लड़की के साथ मारपीट हुआ है थाना प्रभारी के सामने। थाना प्रभारी के सामने मारपीट? बिल्कुल मारपीट हुआ है थाना प्रभारी के सामने। बयान हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं, बयान अभी तक नहीं हो पाया है। लड़की कोर्ट में बयान करने जा रही थी? जी, लड़की कोर्ट में बयान करने जा रही है। जो लोग पुलिस के सामने में लड़की के साथ मारपीट किया तो पुलिस उसको पकड़ी नहीं? नहीं, पुलिस उसको नहीं पकड़े हैं। हम लोग जहाँ तक हुआ कि हम लोग बोले तो हम ही लोग को लाठी चार्ज करके बाहर भगा दिया गया है। वीडियो एक बना हुआ है मोबाइल पे, जो कि मोबाइल थाना प्रभारी रख चुके हैं अभी अपने एंड में। और हम लोग पे लड़की के ऊपर से, लड़की गार्जियन के थ्रू हम लोग पे 5-6 आदमी का नाम देके जबरदस्ती किडनैपिंग केस में फंसाया गया है, जो कि लड़की अपने सुरक्षा से आई है बयान देने के लिए कि हम अपनी मर्जी से भागकर शादी किए हैं, तो हम लोग को किडनैपिंग के जुर्म में क्यों फंसाया गया है? अंगेली थाना के नगर जिला पूर्णिया के रहने वाली हूँ। अपनी मर्जी से शादी की हूँ, किसी के दबाव में आके नहीं। मेरे फैमिली द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए, मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ भी हूँ ठीक से हूँ, अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं साक्षी कुमारी, पति सचिन कुमार, ग्राम सतकुदरिया, पोस्ट गंगेली, जिला पूर्णिया के रहने वाली हूँ। मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ, किसी के दबाव में आते नहीं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। जहाँ भी हूँ ठीक से हूँ। मेरे फैमिली द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए, हम दोनों को मेरे भाइयों से जान का खतरा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।